मैं मानता हूं कि यह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का यह पूर्वी सेक्टर का मुख्यालय बना है। इससे हमारे सीआईएसएफ की भी कार्यक्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यह पूर्वी सेक्टर का मुख्यालय कितने का बना है, क्या बना है, कितने एकड़ में बना है, इसके बारे में सारी डिटेल उन्होंने जानकारी दे दी है, इसलिए मैं उसकी भी यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इस देश की हैं, उनमें हमारी सीआईएसएफ एक विशिष्ट प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स है। वैसे स्ट्रेंथ का जहां तक सवाल है, जैसा ओपी सिंह ने बताया कि 1,45,000 की आज स्ट्रेंथ है, हम लोगों ने फैसला किया है कि 35,000 की और इसमें हम वृद्धि करेंगे और लगभग 1,80,000 की हो जाएगी। लेकिन आज सीआईएसएफ की आवश्यकता को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि 1,80,000 भी कम है। और यह आवश्यक हो जाएगा कि आगे 1,80,000 से भी अधिक की स्ट्रेंथ सीआईएसएफ की जाए। कोई यह सवाल मुझसे कर सकता है कि सीआईएसएफ की स्ट्रेंथ आप इतनी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अन्य जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनसे इनका रोल कुछ डिफरेंट है, कोई भिन्न प्रकार का है। यदि मैं कहूं कि सीआईएसएफ का रोल मल्टी डायमेंशनल है तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल रोल है और केवल मल्टी डायमेंशनल नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि चैलेंजिंग रोल भी है सीआईएसएफ का। अब जैसे इसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो पहले जो औद्योगिक इकाइयां रहा करती थी सामान्यतः उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यह सीआईएसएफ निभाता। लेकिन अब वहीं तक सीमित नहीं है, अब बहुत सारी जिम्मेदारियां, और मैं यह भी कह सकता हूं कि नक्सलवादी क्षेत्रों में भी हमारे सीआईएसएफ के जवानों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, परमाणु संयंत्र केंद्र, बहुत सारे पावर, मेजर पावर इंस्टॉलेशन जहां पर हैं, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें निभानी पड़ती है। बहुत सारे अब जितने संवेदनशील केंद्र हैं, लोग यह मांग करने लगे हैं कि साहब काम नहीं चलेगा, सीआईएसएफ की सुरक्षा हमारे यहां चाहिए। यह कि दुनिया में किसी देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि है तो भारत की, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी किसी देश की है कि भारत की। तो मुझे यह लगता है कि आज तो हमारी $2 trillion की इकोनॉमी है, आगामी 7-8 वर्षों में यह 5 trillion तक पहुंच जाएगी। और इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद 15 वर्षों के अंदर जो भारत आज दुनिया की 10 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में आता है, वो दुनिया की top 3 अर्थव्यवस्थाओं में हमारा भारत आता है। स्वाभाविक रूप से जब भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें या भारत को बुरी नजरों से देखने वाली जो ताकतें हैं, वो भारत में इस प्रकार की प्रगति उन्हें रास नहीं आती होगी। इस सच्चाई को भी हमको समझना होगा। आतंकवाद का संकट एक बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं इस चुनौती को भी हम लोगों ने स्वीकार किया है पूरी मजबूती के साथ। इस चुनौती को
परीक्षा परिदृश्य है जिसके बारे में हमारे रघुवरदास जी ने चर्चा की है, माओवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, इन सब सारी चुनौतियों की चर्चा की। मैं कह सकता हूं कि माओवाद के फ्रंट पर भी हमारी सरकार को कामयाबी हासिल हो रही है, और इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस दिन जिम्मेदारी संभाली थी उसी दिन आश्वस्त था और आज भी मैं उसी तरह से आश्वस्त हूं कि माओवाद उग्रवाद इस हिंदुस्तान की धरती से समाप्त हो गए। हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं, ये भी जानते होंगे कि पहले क्या स्थिति थी और उसमें कितना सुधार हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, विशेष रूप से इनकी पूरी पुलिस फोर्स को, डीजी के बांटे इनके मुख्य सचिव, सारे इनके अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जिम्मेदारी संभालते ही मैंने अपील की थी सारी ऐसी ताकतों से कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। हम गरीबों के इलाकों में जहां पर आदिवासी हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और आप विकास करने नहीं दे रहे, इसलिए विकास नहीं करने दे रहे हैं ताकि आप उनको एक्सप्लॉयट करते रहें, उनका शोषण करते रहे। यह सिलसिला नहीं चलेगा और यह भारत सरकार को मंजूर नहीं है, नहीं चलेगा। और एक नई झारखंड में अलग होकर पीएलएफआई बन गई, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं छोड़िए यह रास्ता, नहीं चलेगा। लोगों का एक्सटेंशन करना, पैसा देना, लेकिन आपने देखा नोटबंदी के बाद इनकी भी कमर टूट गई है, इनकी भी कमर टूट गई। ऐसे ऐसे कठोर कदम उठाए जाएंगे, टूटनी है। जैसा देश जिसने सारे विश्व को बसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया हो, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली,